हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी सीटों पर आम सहमति बनाने और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए आज पिछले कई घंटों से दिल्ली के 15 जीआरजी स्थित कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दौर जारी है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन कुमारी शैलजा, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ललितेश पति त्रिपाठी और साकिर सिनाडी मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रभारी सचिव विवेक बंसल को भी कुछ देर के फीडबैक के लिए बुलाया गया था। करीब 2 घंटे उनसे फीडबैक लिया गया। इसके बाद सह प्रभारी देवेंद्र यादव को बुलाया गया और उनसे फीडबैक लिया गया। दोनों के साथ जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की सीटों पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों से चर्चा के बाद अधिकतर सीटों पर दो दो नामों का पैनल तैयार किया गया है। कल भी ऐसे ही बैठक का दौर जारी रहेगा। 12 नवंबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाने के काम को निपटा देगी। इससे पहले सीईसी करीब 70 से 80 सीटें क्लियर कर चुकी है। फिलहाल कमेटी बाकी बची करीब 125 सीटों का काम निपटाने में जुटी हुई है। साथ ही बैठक में सीटों पर चर्चा करते हुए पार्टी हाईकमान के निर्देश के अनुरूप पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ नेता के साथ युवा और महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।